और बीजेपी के खून में सिर्फ और सिर्फ दोगलापन, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना। बीजेपी क्या कहते हैं, 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूँ 9 साल बवाल, एकदम बेकार। फायदा नहीं, अडानी को मिलता है ना फायदा योजनाओं का, एयरपोर्ट मिल जाए उनको, तेल के कुएं उनको मिल जाएंगे, सब कुछ देश उनका हो जाएगा, अडानी का देश हो जाएगा एक दिन। अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नचा रहे हैं, ये बस 6 महीने का और खेल बचा है, इसके बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईडी की कार्रवाई करनी है तो गुजरात के अंदर पोर्ट में जो 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था उसका क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर ईडी की कार्रवाई करनी है तो ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों होती है? निष्पक्ष रूप से कैसे काम कर रही है? एक इस 2 साल में बीजेपी के यहाँ किसके यहाँ ईडी गई है बताइए मुझे? अडानी के ऊपर इतना बड़ा हिंडनबर्ग का इतना बड़ा खुलासा हुआ था, उसके ऊपर ईडी गई क्या? डर चुके मोदी सरकार, मोदी सरकार घबराई हुई है। कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया जा सकता है? पूरे देश में 9 साल में इतने सारे घोटाले हुए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, देश के करोड़ों की संपत्ति लूट के भागे, लेकिन ईडी वहां पे कभी नहीं जाती है। पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है, देश की जनता समझती नहीं क्या? चुनावों के समय ये ईडी सीबीआई नजर क्यों आती है? हाँ, नरेंद्र मोदी का मीडिया का खरीदा हुआ है। आज जो ईडी बढ़ रही है उसकी सही जो रिपोर्ट वो मीडिया काम में दिखा रही है, मीडिया पटा चटा के दिखा रही है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर छापा पड़ा है, ये हुआ वो, बहुत मतलब पटा चटा के जो मीडिया दिखा रही है उसकी वजह से आज ये लोग बोलते हैं। इसलिए दिल्ली में भी डर रहे हैं, राजस्थान में भी डर रहे हैं, वहाँ भी ईडी भेज रहे हैं, यहाँ पुलिस भेज रहे हैं, सारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस इनको आगे भी नहीं जाने दे रही है, लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं पोस्टर पे लिखा हुआ है कि हार की बौखलाहट जब जब सताए बीजेपी को ईडी याद आए। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी डरती है या कुछ भी करती है उनको लगता है वो ईडी को आगे कर देती है। राजस्थान के अंदर 500 रुपए का कहीं भी नहीं मिलता, इस चीज पे डर चुके मोदी सरकार, इसलिए डिफेम करा जा रहा कांग्रेस के। तो यहाँ पे हम देखते, यहाँ पे लोग देख ही सकते हैं कि आप किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे, सब जानते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करने तैयार है, समय का इंतजार है। शादी का कार्ड जब सीधा सीधा राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात क्लियर हो चुकी है, ये बात आपको कुछ समय स्पष्ट भी हो जाएगी। नीतीश जी नहीं है, नीतीश जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, नीतीश जी जो लगे हुए हैं वो सही लगे हुए हैं, वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन से जो पीएम पद के उम्मीदवार हैं वो सीधी राहुल गांधी जी हैं, जो सीधा सीधा इस बार क्लियर है कि उनके सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो लड़ सके राहुल गांधी जी के अलावा। अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो होने दीजिए, जांच का जांच हो जाएगा, दूध का दूध। ईडी की कार्रवाई करनी है तो अडानी जी के ऊपर भी तो कर लीजिए, 20,000 करोड़ का नहीं पता, 12,000 करोड़ और जो आए उनका नहीं पता, जो अकाउंट के अंदर उनके आए। ईडी की कार्रवाई करनी है तो गुजरात के अंदर पोर्ट में जो 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था उसका क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर ईडी की कार्रवाई करनी है तो ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों होती है? समन आने पर इतने बुखलाहट, तो संबंध अगर सही दिया होता तो बुखलाहट के बाद की जो गलत संबंध है जिसका कोई लेने देना ही नहीं है। आप एक बात है, डोटासरा जी, ओपी उडला जी और वैभव जी, इनके खिलाफ में क्या सबूत मिला? इनको किस तत्वों के आधार पे इन्होंने इनके ऊपर संबंध दिया है और इनकी जानकारी ली है? जिस चीज का कोई लेना देन नहीं है। कांग्रेस की जो फूट है वो खाली दिखाने के लिए लोगों ने भ्रम फैला रखा है, कोई फूट नहीं, हम लोग एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना के अंदर सीधा सीधा हमारी सरकार बनने जा रही है, जो कि जो के चंद्रशेखर राव हैं उनको सीधा दिख रहा है कि अब हमारा कोई। जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसमें पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी, और जो 2024 के चुनाव हैं उसमें भी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ही आएगी, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है, बीजेपी नहीं आएगी। तो इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे सर। कोई काम नहीं आने वाला सर, यहाँ पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ? मैडम, ईडी का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है सरकार द्वारा, ये इसके खिलाफ प्रदर्शन है। सीबीआई हो, कानून व्यवस्था हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी महकमा हो, कोई भी चीज़ है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। लेकिन ईडी सीबीआई तो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है ना? निष्पक्ष रूप से कैसे काम कर रही है? एक इस 2 साल में बीजेपी के यहाँ किसके यहाँ ईडी गई है बताइए मुझे? एक बीजेपी का नेता है किसके यहाँ ईडी गई है? अडानी के ऊपर इतना बड़ा हिंडनबर्ग का भी वो खुला था,
हैंडर मग का वो खुला था भी इतनी बहुत जल्दी करके, इतना बड़ा खुलासा हुआ था, उसके ऊपर ईडी गई क्या? क्यों नहीं गई? सबूत मिले होंगे तभी तो पकड़ा है। अभी वो खुलासा हुआ ही कहाँ है मैडम, उसमें बहुत मोटा मामला है, वो इतने शेर गिरे उन्होंने, इतनी बड़ी रिपोर्ट खोली है जाली फर्जी, वो क्यों खोली है? तो उस पर नहीं गई, सबूत तो जब मिलेगा ना जब ईडी वहाँ जाएगी सबूत। अभी जरा सा मामला है, कोई भी विपक्ष का नेता हो उसके पास सीधी भी ईडी जाती है, ना कि छोटी दिल्ली पुलिस, ना कोई, वो डायरेक्ट ईडी पहुँचती है वहाँ पर। जैसे चुनाव के समय में ईडी सीबीआई भेज देना, ये तो राजनीति का कोई खेल लग रहा है ना? तो ये तो चुनाव का जो है, चुनाव के टाइम पर पब्लिक को झूठा ये दिखाना, चुनाव के टाइम पर पब्लिक को ये दिखाना। ये ईडीआई सीबीआई से पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मोदी सरकार घबराई हुई है, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया जा सकता है? सीबीआई घबराई हुई है, वो तो कह रही है ना कि लिख के ले लीजिए, इस्तेमाल कर रही है पुलिस प्रशासन का, इस्तेमाल कर, देखो पुलिस आपको नजर आ जाएगी, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश में 9 साल में इतने सारे घोटाले हुए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, देश के करोड़ों की संपत्ति लूट के भागे, लेकिन ईडी वहां पे कभी नहीं जाती है, जहां जहां चुनाव होता है वहीं क्यों जाती है? इसका मतलब साफ है, इनकी मंशा पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आपको लग रहा है जिस तरीके से चुनाव नजदीक है वो ईडी सीबीआई भेज रही, तो राजनीति का कोई खेल नजर आ रहा है? पूरा राजनीतिक है, पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है, देश की जनता समझती नहीं क्या चुनावों के समय ये ईडी सीबीआई नजर क्यों आती है, इसका जवाब देश की जनता देगी इस बार। बिल्कुल भैया, कैसे मतलब समझ नहीं आज बात, मीडिया भी कौन सुधार कर रहा है? मीडिया नहीं, हाँ नरेंद्र मोदी का मीडिया का खरीदा हुआ है, आज जो ईडी पढ़ रही है उसकी सही जो रिपोर्ट वो मीडिया काम में दिखा रही है, मीडिया पटा चटा के दिखा रही है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर छापा पड़ा है, ये हुआ वो बना, बहुत मतलब पटा चटा के जो मीडिया दिखा रही है उसकी वजह से आज ये लोग बोलते हैं। इसलिए जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, लोगों को आगे नहीं जाने दिया, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको रोक दिया गया है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं आपको आगे भी नहीं जाने दिया, रोक दिया गया, बैरिगेट लगा दिए गए, दिल्ली में भी डर रहे हैं, राजस्थान में भी डर रहे हैं, वहाँ भी ईडी भेज रहे हैं, यहाँ पुलिस भेज रहे हैं, सारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं और क्या बताएं। लेकिन ईडी सीबीआई निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है, आप उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन बताइए ना, आप बताइए ना, 100 केस रजिस्टर कर दिया, एक भी केस में कोई भी गिल्टी प्रूफ नहीं होता, इसका मतलब क्या है? मेंटली हरास करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सबूत मिले होंगे तभी तो गिरफ्तार किया गया है ना? सबूत मिले तो इसको फिर आप प्रूफ कीजिए ना, प्रूफ कर देंगे तब बात कर लेंगे, प्रूफ हो ही नहीं सकता, नसों में कांग्रेस के नेताओं की नसों में खून में ईमानदारी है, और बीजेपी के खून में सिर्फ और सिर्फ दोगलापन, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना और देश की जनता के साथ झूठ बोलना और कुछ नहीं है। जो बीजेपी 9 साल से काम कर रही है आपको नहीं लग रहा सही काम कर रही है, उन्हीं के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कहते हैं 9 साल बेमिसाल, मैं कहता हूँ 9 साल बवाल, एकदम बेकार, मेरे को, मैं MBA हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है आज तक भी, क्यों नहीं है? इसीलिए तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी का दर बहुत ऊपर जा चुका है, GDP नीचे जा चुकी है, देश को बर्बाद करने का काम किया गया और कुछ नहीं किया गया। इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, किसी का मतलब कुछ भी लाभ नहीं मिला है? कोई फायदा नहीं, अडानी को मिल रहा है ना फायदा योजनाओं का, एयरपोर्ट मिल रहे हैं उनको, तेल के कुएं उनको मिल जाएंगे, सब कुछ देश उनको हो जाएगा, अडानी का देश हो जाएगा एक दिन। बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी सीबीआई के खिलाफ उतरे हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं किस तरीके से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं से महिला से बात करेंगे। सोच बहुत बड़ी चौड़नी हो जाती है, मैं एक बात जानती हूँ, देखिए हल तो जनता को निकालना है और जनता ही निकालेगी इस चीज़ का, कि जनता को पता है सब राज्यों में जनता परेशान है। इंडिया को क्या इलेक्शन से पहले तोड़ दिया, टुकड़े कर दिया जाएगा, यही इंडिया क्यों टुकड़े टुकड़े हुआ, एक बात बताइए, सब सारे नेता को अंदर कर देंगे तो बचेगा क्या? जी नहीं, एक बात बताइए आप, राहुल जी अभी हमारे
वही सच सच नहीं छुपता है, इसलिए राहुल जी पर भी ईडी का कुछ नहीं हुआ था, बस वो उस टाइम के लिए परेशान जरूर करी जाती है सरकार। उठा के देख लीजिएगा, बिहार उठा के देख लीजिएगा, तेलंगाना उठा के देख लीजिएगा, तमिलनाडु उठा के देख लेना, हर जगह ये लोग सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। और जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर ये लोग सबसे ज्यादा उछलते हैं कि हम लोग 80 सीट लेके आएंगे, उस 80 के अंदर ये 80 के ऊपर से पीछे से जीरो हटा हुआ 8 नजर आएगा आपको। कार्ड लिए पे जिसमें लिखा है हार की बौखलाहट जब जब सताए बीजेपी को ईडी याद आए, ये मतलब ईडी भी स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र कितनी स्वतंत्र संस्था है वो सब कुछ पता लगता है। जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं ना, अडानी के ऊपर बिल्कुल भी जानकारी देते हैं ना, अंबानी के ऊपर करते हैं, क्यों नहीं पता बताते ये लोग कि ये लोग क्यों नहीं बिल्कुल जानकारी देते कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, 12,000 करोड़ कहाँ, 12,000 करोड़ कहाँ से आए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ कोविड के नाम टाइम पे बनाया था उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं ये लोग। इन लोगों को खाली एक अपने हाथ की कठपुतली बना के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नचा रहे हैं, ये बस 6 महीने का और खेल बचा है, इसके बाद में ये बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवीन राहुल जी जो नए नए ईडी के जो चीफ बन के आए हैं, इनको शायद ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे पहले जो मिश्रा जी गए थे उन लोगों ने भी गलत हरकतें की, उन्होंने भी गलत जो डिसीजन लिए थे उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ में रिजल्ट दिया था, और इसी वजह से नवीन राहुल जी को सही तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि सरकार आने जानी है, उन्हें भी यही रहना, हमें भी यही रहना है। 24 में हम लोग सीधा 350+ आएंगे, बीजेपी 120 के अंदर बिल्कुल सिमट के रह जाएगी, सिंगल डिजिट के राज्य लिखे ले लीजिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े राज्य हैं ये सभी सिंगल डिजिट के अंदर रह जाएंगे। तो जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार ही आएगी, और लगातार ये लोग बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन पे उतर गए हैं ईडी सीबीआई के खिलाफ, और जिस तरीके से आपने देखा बैरिगेट्स लगा गए, इनको आगे भी नहीं जाने दिया है, तो आप इनकी बात से कितना सहमत है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और देखते रहिए जनहित आवाज़।